ट्री ऑफ लाइफ, वर्ल्ड ट्री या फिर ट्री ऑफ नॉलेज माइथोलॉजी और फोकलोर कल्चर का एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका जिक्र मोस्टली हर माइथोलॉजी में मिलता है। ट्री ऑफ लाइफ इस कॉमन थीम पर बेस्ड है कि ये मिस्टिकल ट्री फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों वर्ल्ड्स को कनेक्ट करता है जो कि हर तरह की लाइफ को सपोर्ट करता है। आज हम इसी ट्री ऑफ लाइफ को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रीज को एंशंट टाइम से ही सिंबल ऑफ लाइफ की तरह देखा जाता है, इसलिए हमारे एंसेस्टर भी शुरू से इन ट्रीज को वर्शिप और प्रोटेक्ट करते थे। जैसा कि वो जानते हो कि ये ट्रीज अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ट्री ऑफ लाइफ का कंसेप्ट हमें गॉड के डिवाइन प्लान को समझने में हेल्प करता है कि हम यहाँ कैसे आए होंगे और हमें कैसे अर्थ पर अपनी लाइफ को कंडक्ट करना चाहिए। एक्चुअल में ट्री ऑफ लाइफ की स्टोरी एक बिब्लिकल गार्डन से शुरू होती है जहाँ गॉड्स और ह्यूमंस साथ रहा करते थे, जिससे कई बार टेंपल भी मान लिया जाता था, जिसका टॉप पार्ट मोस्ट सीक्रेट प्लेस था क्योंकि यहाँ गॉड्स रिसाइड करते थे। ट्री ऑफ लाइफ गॉड की खुद की लाइफ और क्रिएटिव पावर को रिप्रेजेंट करता है जो कि सबके लिए अवेलेबल है, क्योंकि गॉड की ये फर्स्ट कमांड थी कि लोगों को सभी ट्रीज को यूज करना चाहिए इंक्लूडिंग ट्री ऑफ लाइफ, जिसका एक मतलब ये भी है कि हम गॉड को कंज्यूम कर रहे हैं। जो भी इस ट्री को कंज्यूम कर लेता है उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है क्योंकि उसे एटर्नल लाइफ का गिफ्ट मिल जाता है। पर इस ट्री तक पहुंचने से पहले ह्यूमंस को एक दूसरे ट्री से गुजरना पड़ता है जिसका नाम है ट्री ऑफ नोइंग गुड एंड बैड। पर इस ट्री के फ्रूट्स को कंज्यूम करने से आप अपनी जान से हाथ भी धो सकते हैं, क्योंकि इस ट्री के फ्रूट आपको अपने हिसाब से ना कि गॉड के हिसाब से सही गलत देखने में हेल्प करते हैं, जिससे कई बार आप गलत फैसले भी ले लेते हैं जो कियोस क्रिएट करता है, जिससे फाइनली डेथ हासिल होती है। ये दोनों ही ट्री देखने में बहुत सुंदर है, इसलिए एक को डिवाइन ट्री ऑफ लाइफ और एक को फॉल्स ट्री ऑफ लाइफ का टाइटल भी दिया जाता है। जो भी इस ट्री के फ्रूट को खा लेता है उसे गार्डन ऑफ गॉड से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई दोबारा इस ट्री ऑफ लाइफ तक जा पाता है या नहीं। इसका जवाब हमें मिलता है स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में, जब मोजिस नाम के आदमी का जिक्र मिलता है। मोजिस को माउंटेन के ऊपर एक डेजर्ट ट्री पर गॉड दिखाई देते हैं जो उसे बताते हैं कि वो होली ग्राउंड पर खड़ा है। ये डेजर्ट ट्री ट्री ऑफ लाइफ की तरह गॉड की लाइफ और पावर को रेडिएट कर रहा होता है। गॉड इस ट्री के जरिए मोजिस को ये कमांड देते हैं कि वो अपने सभी लोगों को लेकर इस माउंटेन तक पहुंच जाए ताकि वो पार्टनरशिप बना सके, क्योंकि ये पार्टनरशिप उन्हें एक चॉइस देगी जिसमें या तो वो अपने बनाए हुए गॉड्स की लाइट को फॉलो करना चाहेंगे या फिर ट्रू गॉड की लाइफ को फॉलो करेंगे। और इस स्टोरी में वो अपने बनाए हुए आइडल्स को वर्शिप करने की या फिर उनकी लाइट को फॉलो करने की चॉइस को एक्सेप्ट करते हैं, और इस तरह ये स्टोरी जनरेशन से जनरेशन तक ऐसी ही चलती आई जिसमें लोगों ने हमेशा अपने बनाए हुए आइडल्स को चुना। लोग अपने बनाई हुई इन आइडल्स को माउंटेन के ऊपर ब्यूटीफुल ट्रीज में प्लेस करते थे जिन्हें फॉल्स ट्री ऑफ लाइफ का टाइटल दिया जाता था। ये फॉल्स ट्री ऑफ लाइफ डिस्ट्रक्शन, एक्साइल और फाइनली डेथ तक पहुंचाते थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसे बचने का कोई उपाय है। हाँ बिल्कुल है, पर उसे जानने के लिए हमें जीजस की वर्डिंग को समझना होगा। जब जीजस इस दुनिया में आए तो उन्होंने खुद को ट्री ऑफ लाइफ डिक्लेयर कर दिया, यानी वो उसी ट्री ऑफ लाइफ की एक शाखा है जो वर्ल्ड में लाइफ को भरती है। इसलिए जीजस लोगों को कहते हैं कि आओ और मुझे कंज्यूम करो, मुझे कंज्यूम करने से तुम्हारा सेल्फ मर जाएगा जिससे एक न्यू ह्यूमैनिटी जन्म लेगी। पर ह्यूमंस जीजस पर ट्रस्ट करने के बजाय फॉल्स ट्री ऑफ लाइफ पर ट्रस्ट कर लेते हैं और खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जीजस उन्हें लाइफ और डेथ की इस साइकिल से बचाने का एक और पाथ बताते हैं, पर उसे फॉलो करने के बजाय ह्यूमंस जीजस पर ही अटैक कर देते हैं और उन्हें क्रॉस पर लटका देते हैं, जो हमें बताता है कि लोग कितने क्रूर और करप्ट हो चुके हैं जिन्हें गॉड के एडवाइस से ज्यादा अपनी सोच ही सही लगती है। आगे जीजस स्टोरी में बताते हैं कि क्योंकि वो भी गॉड के ट्री ऑफ लाइफ के एक सीड है, इसलिए वो दोबारा पैदा हो जाएंगे और उनसे थाउजेंड ऑफ लाइफ जन्म लेंगी जिनके फ्रूट्स को हम खा भी सकते हैं। क्रॉस पर डेथ के जरिए जीजस ने ह्यूमंस को ये मैसेज दिया कि डेथ को डिफीट करने के लिए उन्हें डेथ से गुजरना पड़ा,
बेसिकली ये पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट को दिखाता है कि कैसे हम अपने सेल्फ को मारकर गॉड की लाइट और ब्लेसिंग को रिसीव कर सकते हैं और अपने आप को ट्री ऑफ लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। इस तरह हम गॉड के लव और ब्लेसिंग दोनों को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था द डिवाइन ट्री ऑफ लाइफ का बिब्लिकल कंसेप्ट, जो बेसिकली हमें एरोगेंस से एनलाइटनमेंट की ओर ले जाता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।